हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरे एक नए वीडियो में फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। और कल तो एक कुल वीडियो ही नहीं जा पाया क्योंकि हो रहा है मेरा तबीयत ख़राब, और अभी भी मेरा तबीयत ख़राब है। लेकिन मेरा जो जिम्मेदारी है स्कूल का, उसको करना ही पड़ेगा। बच्चे लोग का जो पेपर मैं लास्ट टाइम चेक कर रही थी, उसको नहीं कर पाई थी। आज दिन भर मैं बिस्तर में ही थी। कल तो मैं कुछ ही कर नहीं पाई थी, वीडियो भी शूट नहीं कर पाई थी। तो आज थोड़ा सा वीडियो बना देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा था। तो मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और आज भी ख़राब ही है, लेकिन इसको देना बहुत ज़रूरी है करके थोड़ा सा बैठ गई हूँ करने के लिए। और दिन भर से इन लोग लगे थे आज काम में, सारा चीज़ इन्हीं लोग किए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ बिस्तर में थी। अभी थोड़ा सा उठी हूँ तो थोड़ा अच्छा लगा है, और सारा काम तो इन्हीं लोग किए हैं। और खाना वाना बनाना, सारे चादर भी इन्होंने धो डाले हैं, सारे ब्लैंकेट्स वगैरह, तो सारे काम कर लिए हैं। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है ये सारा काम कर, लेकिन एक बार लगता है मन में कि क्यों, मतलब होता है ऐसे। सब करके देखती हूँ तो मेरे को खुद को रोना आता है, तो करना ही पड़ता है। वाह क्या बात हुई। घर में नहीं रहोगे तो इन लोग का, मतलब इन लोग का भी छुट्टी, मतलब छुट्टी जैसा नहीं लगा होगा, इन लोग काम किए होंगे तो, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। अब क्या कर सकती हूँ, संडे था, मैं बोली थी धोएंगे बोल के, लेकिन मेरा स्थिति ऐसा नहीं था कि मैं साथ दे पाऊँ। इन्हीं लोग कर रहे थे, मैं बोली थी थोड़ा वीडियो ले लो, ये लोग नहीं ले पाए थे। रखो तो यहाँ पर ला दी है मेरे लिए चाय। इतना तो बनता है गाइस। फ्रेंड्स, आज आपको रेसिपी शेयर करूँगा। आपको पता है कि मैडम का तबीयत खराब है, वो मैं बनाऊँगा आज। पहले इन लोग को चिकन रोस्ट खिला देता हूँ क्योंकि मैडम का तबीयत ठीक नहीं है, तो चिकन रोस्ट के लिए भी है। और मैं बनाऊँगा तंदूर चिल्ली, तो वो भी आपको रेसिपी शेयर करूँगा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चिकन रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमको चिकन रोस्ट पीस को पहले हम लोग बर्तन में डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए ये मैं कुछ मसाले बनाया हुआ हूँ, जिसमें अदरक, लहसुन, प्याज और हरी धनिया और हरी मिर्च है। तो ये हम लोग डाल लेंगे 2 चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, मैं जैसा मेरे को टेस्ट चाहिए था उसके हिसाब से मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद डालेंगे इसमें हम लोग नींबू का रस। इतना नींबू का रस काफ़ी है। उसके बाद डालेंगे हम लोग इसमें थोड़ा दही। दही और नींबू का मिश्रण से चिकन में जो रेसे होते हैं वो पकने के बाद रेसे नहीं बनते हैं, उसके लिए हम लोग इसको डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया। उसके बाद आइए मसाला ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे इसमें लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने जैसा तीखा खाते हैं उसके हिसाब से रख लीजिएगा। उसके बाद जाएगा इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद हम लोग डाल लेंगे इसमें हल्दी पाउडर। और इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे चिकन मसाला। चिकन मसाला आप अपने घर पे बनाते होंगे, वो यूज कर सकते हैं या फिर मार्केट में जो मिलता है। फ्रेंड्स, इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला लेंगे। कॉर्नफ्लोर क्या है, इसको बाउंड करेगा, टाइट करेगा। फ्रेंड्स, लास्ट में हम लोग इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेंगे क्योंकि मिर्ची से तो कलर उतना अच्छा नहीं आ पाता है। अब इसको मिला लेते हैं। मिला लेने के बाद कम से कम इसको 1 घंटा मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए और इसमें अच्छे से दही और सारे मसाले का टेस्ट मैरिनेट हो जाए। फ्रेंड्स, ये हो गया है मिश्रण और इसको हम लोग रख देते हैं 1 घंटा मैरिनेट होने के लिए। तो आइए तैयारी करते हैं चिकन तंदूर चिल्ली की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बनेगा तंदूर चिल्ली, तो चिकन ले लिए हैं जैसे पहले हम लोग मैरिनेट किए हैं, वैसे सेम इसको मैरिनेट करना है अपने को।
तो आइए इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको भी छोड़ देते हैं एक घंटे के लिए। सो फ्रेंड्स, इसको प्लेट में खाली कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम यदि ये बर्तन में रहेगा तो मॉइस्चर रहेगा तो ये गीला हो जाएगा। तो इसको बाहर आधे घंटे लगभग हो चुके हैं, आधे घंटे इसको अब बाहर में ही मैरिनेट करने देंगे। और इसका जो मसाला बचा है वो सब्जी में भी यूज हो जाएगा। चिकन तंदूर चिल्ली जो बन रहा है उसके लिए तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गैस में ये भुनने वाला जाल रख देंगे। ये जाल में ये जो अपना मैग्नेट था चिकन, उसको हल्की आंच में पकाना है, धीरे धीरे पलट पलट के इसको तंदूर कर लेंगे। तंदूर हो जाने के बाद में बनेगा ये चिल्ली। फिर मैं एक बार इसको रख दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये पक चुका है, इसको निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद और भी इसमें पकाना है, उसके बाद तैयारी करेंगे चिल्ली बनाने का। सो फ्रेंड्स, ये हम लोग का बटर चिकन हो गया है रेडी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा और बटर ऐड कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग का चिकन रोस्ट बनाने की बारी आ गई है। तो पहले हम लोग चिकन को फ्राई कर लेते हैं तेल में। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं तंदूरी चिकन चिल्ली का। तो सबसे पहले डाल दिए इसमें हम लोग बटर। बटर के बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा तेल। दोनों को मिक्स कर देते हैं। चिकन रोस्ट भी हो रहा है, चिकन के रोस्ट होते तक चिल्ली की तैयारी कर लेते हैं। डालते हैं सबसे पहले जीरा, हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पत्ते का। तो फ्रेंड्स, चिकन 50% पक चुका है और इसको हम लोग निकाल लेते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको दबा देंगे ताकि अंदर तक पूरा पक जाए। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग टोमेटो सॉस। इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे सोया सॉस। उसके बाद ऐड करेंगे थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस, हल्का रेड चिल्ली सॉस। अभी आ गया अपना तंदूरी चिकन, मिक्स कर देंगे।
सो फ्रेंड, हम लोग का तंदूर चिकन चिल्ली रेडी हो गया है। अब इसको मैं सर्व कर देता हूँ। लोग भूखे हैं और लालच भी सबको आ रहा है। इसको खाते तक चिकन रोस्ट भी रेडी हो जाएगा, तो उसको भी साथ में खा लेंगे। सब्जी तो बन ही गया है, आपको पता है। लो यार, इसको खाते रहो, तब तक चिकन रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का चिकन रोस्ट भी रेडी। आज सिर्फ इन लोगों को मैं खिला रहा हूँ बस। ये आ जाओ, सो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग का भुक्खड़ फैमिली का पार्टी चल रहा है। आपने तो देखा ही होगा, आज बहुत कुछ बना, संडे स्पेशल। बट अफसोस कि मैडम का तबीयत ख़राब है, लेकिन कोई नहीं, सबको देख के एंजॉय वो भी कर रही। सो फ्रेंड्स, हम लोग का खाना पीना सब हो गया है। मैडम की दवाई खा ली है, आप भी आराम करेगी। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय।